आज हम कैनन 6275 में स्कैनिंग चेक करेंगे। कैनन 6275 में स्कैन करके हम कंप्यूटर में किस तरह भेज सकते हैं स्कैन फोल्डर में, ये सेटिंग विंडोज 7 के लिए बनाया हूं मैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल का नाम है बाबा फिक्स, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिल जाए और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो अब हम पहले कंप्यूटर में किस तरह सेटिंग करना है वो चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम मशीन में क्या सेटिंग करना है और फिर उसके बाद हम स्कैन उसका रिजल्ट चेक करेंगे किस तरह से स्कैन हुआ है। तो पहले विंडोज 7 में हम सेटिंग चेक करेंगे। विंडोज 7 में स्कैन फोल्डर की सेटिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर का जो नाम होता है वो चेक करेंगे। डेस्कटॉप पे कंप्यूटर का जो आइकॉन है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नेम है, मेरे कंप्यूटर का नाम बाबा जंबो डैश PC, ये कैपिटल लेटर्स में, चाहे तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ कॉर्नर पे सेटिंग्स में जाके आप नीचे वाले ऑप्शन पे टू रीनेम दिस कंप्यूटर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाबा जंबो डैश PC ये मेरा नाम है कंप्यूटर का, इसे आप चेंज कर सकते हैं। ओके करके रिस्टार्ट करने के बाद ये अप्लाई होगा। इसके बाद ये नंबर हमें, ये नाम हमें राइट डाउन कर लेना है एक पेपर पे, जैसी स्पेलिंग है उसकी जैसी सेम स्मॉल कैपिटल। इसके बाद यहाँ नीचे साइड में छोटा कंप्यूटर का आइकॉन, नेटवर्क का आइकॉन होता है, नेटवर्क एंड शेयरिंग, यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है, आप स्टार्ट बटन पे जाके साइड में कंट्रोल पैनल लिखा हुआ है यहाँ से भी जा सकते हैं। इसमें क्लिक करके ऊपर कैटेगरी में जाके आप यहाँ से लार्ज आइकॉन करके यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ये देखिए नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है, इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में, या फिर यहाँ से आपको देखिए आइकॉन पे क्लिक करके नेटवर्क एंड शेयरिंग, यही सेम विंडो खुलेगा दोनों तरफ से। यहाँ पर चेंज एडवांस शेयरिंग्स एंड सेटिंग्स है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो प्रोफाइल है, ये दोनों को बंद करके देखिए होम और वर्क, करंट प्रोफाइल सेलेक्ट है मेरे पास और इसके नीचे पब्लिक है। तो पहले हम होम और वर्क प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये विंडो खुल गया। इसके नीचे हमें टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी पे क्लिक होना चाहिए, टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंट एंड शेयरिंग पे क्लिक होना चाहिए। इसके बाद टर्न ऑन शेयरिंग एनीवन विद नेटवर्क कैन रीड एंड राइट फाइल्स विद पब्लिक फोल्डर पे क्लिक होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये नीचे यूज़ 128 पे क्लिक होता है। नीचे और जाएंगे, इसके नीचे टर्न ऑफ पासवर्ड पे क्लिक होना चाहिए। और अगर आपका होम ग्रुप बना हुआ है तो इसे अलाउ विंडोज़ टू मैनेज होम ग्रुप कनेक्शन पे क्लिक होना चाहिए। अब इसे बंद कर देंगे होम और वर्क प्रोफाइल को, ये देखिए ये करंट प्रोफाइल पे बंद करके बाद अब हम पब्लिक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी पे क्लिक होना चाहिए, टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग पे क्लिक होना चाहिए, टर्न ऑन शेयरिंग सो एनीवन विद नेटवर्क कैन एक्सेस इस पे क्लिक होना चाहिए। नीचे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है, या नहीं है तो इसे ऑन कर लीजिए आप। पासवर्ड प्रोटेक्ट शेयरिंग में आपको नीचे टर्न ऑन पासवर्ड प्रोटेक्ट शेयरिंग पे ऑफ करके नीचे टर्न ऑफ पे क्लिक करना है आपको। ये होने के बाद नीचे आपको सेव करना है चेंजेस, अगर आपको PC रिस्टार्ट करने का बोलता है तो उस पर रिस्टार्ट कर दीजिए आप सेव सेटिंग का। ये मेरे पास पहले से चेंज है सेटिंग, इस वास्ते सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसे अब हम बंद कर देंगे। बंद होने के बाद हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हमारी स्कैनिंग शेयर होंगी। न्यू फोल्डर है, इसे रीनेम कर देंगे हम। रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर लेंगे कैनन 6275, इसे रीनेम कर लेंगे। इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसे शेयर करेंगे, शेयरिंग में जाएंगे और शेयर करेंगे। ये सर्च बार में हमें लास्ट में एक एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ से एवरीवन सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए अभी यहाँ नीचे नाम बाबा जंबो है, तो अब यहाँ पे हम एवरीवन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये नीचे आ गया है, देखिए इसे शेयर कर लेंगे हम।
शेयर करने के बाद डन। इसके बाद नीचे एडवांस शेयरिंग है, एडवांस शेयरिंग में शेयर दिस फोल्डर कैनन 6275 है। परमिशंस में जाएंगे हम, यहाँ पे देखिए एवरीवन सेलेक्ट है, ऐड करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे फुल कंट्रोल दे देंगे, इसे दोनों पे क्लिक हो जाएगा, अप्लाई करके ओके कर देंगे, यहाँ पे भी अप्लाई ओके। अब यहाँ पे सिक्योरिटी है ऊपर, यहाँ पे देखिए एवरीवन पे सेलेक्ट था, हम इसे फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पे एवरीवन सेलेक्ट है और यहाँ पे से नीचे फुल कंट्रोल दे देंगे। फुल कंट्रोल देने के बाद ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, अप्लाई और ओके, यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद हमारी पूरी सेटिंग हो चुकी है। एक बार हम कंप्यूटर का नाम फिर से चेक कर लेंगे, यहाँ देखिए बाबा जंबो डैश पीसी, आपको सेम इसी तरीके से डालना है। अब हम मशीन पे सेटिंग करेंगे। गाइस, हमने जो सेटिंग की थी विंडोज 7 में, अब उसका एड्रेस हम जेरोक्स अपने कैनन 6275 में उसका एड्रेस रजिस्टर करेंगे। उसके आगे का प्रोसेस अब मैं बताता हूँ। यदि हम होम पेज पे स्कैन एंड सेंड में जाएंगे, इसके बाद एड्रेस बुक में, एड्रेस बुक में यहाँ कोने में रजिस्टर और एडिट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और न्यू एड्रेस के लिए हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर जो ऑप्शन है ईमेल, फैक्स, आईफैक्स, फाइल, ग्रुप, हमें कंप्यूटर में करना है इसलिए फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो भी आपके का एक से दो कंप्यूटर है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर है, तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो मैं इसे, मेरा ये कंप्यूटर काउंटर पे रखा है, तो मैं इसे काउंटर पीसी स्पेस काउंटर पीसी नाम दे दिया हूँ, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्च होस्ट पे क्लिक करेंगे, होस्ट नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने जो कंप्यूटर का नाम चेक किए थे वो नाम एज इट इज़ हमें यहाँ ऐड करना है, उसमें कैपिटल स्मॉल जिस तरीके से लिया हुआ है सेम उसी तरीके से यहाँ डालना है। तो मेरे कंप्यूटर में पूरा कैपिटल में नेम था, हम वही नेम इसमें यहाँ डालेंगे, BABAJUMBO जम्बो, बाबा जम्बो डैश PC। ये देखिए बाबा जम्बो डैश PC, सेम स्पेलिंग आपको डालना है और ओके करना है। ओके करने के बाद आपको स्टार्ट सर्चिंग करना है, ये सर्च करेंगे कंप्यूटर अवेलेबल है या नहीं, कंप्यूटर वहाँ मौजूद है इसलिए यहाँ पे उसका नाम आ गया है। अब इस पर कनेक्ट क्लिक करने के बाद वो उसे कनेक्ट करेगा, कनेक्ट होने के बाद ये यूज़र नेम और पासवर्ड मंग रहा है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड इसी मशीन के लिए है, जब भी आप लॉगिन करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम डालना पड़ता है, जब भी आप कोई एड्रेस रजिस्टर करते हैं। तो मैं इसमें सिंपल 1 डालूंगा और ओके कर दूंगा, और पासवर्ड में भी 1 डालूंगा और ओके कर दूंगा। 1 डालने के बाद ये इतने लेटर्स बता रहा है, ये कोई बात बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे ही बताता है, आप जो भी नंबर डालेंगे ये इतने ही नंबर बताएगा। तो ये दोनों में 1-1 है और आपको ये 1 टाइम ही डालना है और आगे आपको फिर नहीं पूछेगा ये। इसके बाद ओके, ये कनेक्ट हो गया है कंप्यूटर से। अब इसके अंदर आपके कंप्यूटर में जो जो फाइल्स, जो जो फोल्डर शेयर है वो यहाँ शो कर रहा है। तो हमने जो फोल्डर बनाया था कैनन 6275 डेस्कटॉप पे शेयर किया था, उस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब वो फोल्डर खाली है क्योंकि हमने उसमें कुछ डाला नहीं था, इस वास्ते यहाँ कुछ नहीं बता रहा। अगर यहाँ नो रिस्पॉन्स बताता है तो आपकी जो कंप्यूटर में सेटिंग की थी उसमें कोई तो भी स्टेप आप मिस कर गए हैं, वो पूरे स्टेप आप फॉलो करेंगे तो यहाँ खाली आएगा, नहीं तो फिर रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स लिख कर आएंगे अगर कोई भी स्टेप आप छोड़ते हैं तो। इसके बाद आपको ओके करना है, यहाँ पे आपके नेम आ गया जो रजिस्टर अपने काउंटर PC है और यहाँ पे इसका एड्रेस आ चुका है, यूज़र नेम पासवर्ड, ये 1 टाइम ही डालना पड़ता है। इसके बाद आप ओके कर देंगे, देखिए यहाँ पर आ गया है और इसे क्लोज कर देंगे। ओके, हम फिर से अब इसमें एक पेपर स्कैन करके देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। एड्रेस बुक में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे नेम क्या है, काउंटर PC और इसका ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया है
आपको स्कैन कलर में करना है, डीपीआई उसका कम ज्यादा करना है, ऑटो साइज पीडीएफ में आप जाएंगे तो जेपीजी एक्सपीएस टीआईएफ ये सब आएगा, तो हम अब जेपीजी में करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे कलर जो है ऑटो डिटेक्ट पे रखेंगे, आप चाहे तो बैक टू बैक भी स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंट साइज ओरिजिनल भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप फेवरेट्स भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने ये फेवरेट रखा है, या ताकि आपको बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो अब हम जेपीजी करेंगे और ऑटो साइज की जगह हम A4 कर देंगे। अब मैं आपको एक पेपर स्कैन करके बता रहा हूँ, ये कवर है इसे यहाँ रखेंगे और अब इसमें स्कैन का बटन दबाएंगे। ये स्कैन हो गया है, अब ये क्या बता रहा है, स्टार्ट सेंडिंग, हमें एक ही स्कैन करना है। यहाँ पे बता रहा है अगर आपके और ओरिजिनल है तो आप और इसके बाद नेक्स्ट करके आप और रख सकते हैं पेपर, तो हम एक ही पेपर स्कैन कर रहे हैं इसलिए स्टार्ट सेंडिंग। स्टार्ट सेंडिंग के बाद यहाँ नीचे है तो आपको कोई एरर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया इसका मतलब ये सेंड हो गया। अब हम इसका कंप्यूटर पे डिस्प्ले चेक करेंगे कि स्कैन हुआ है या नहीं। अब हम कंप्यूटर में चेक करेंगे स्कैनिंग हुई है कि नहीं, ये कैनन 675 का फोल्डर जो हमने शेयर किया था इसे ओपन करेंगे। ये देखिए हमारी जेपीजी इमेज आ चुकी है जो स्कैन की थी, क्लियर एकदम। ये देखिए कैनन 675 फोल्डर का नेम है जो हमने शेयर की थी दोस्तों। तो ये सेटिंग थी विंडोज 7 में स्कैनिंग के लिए एडवांस 6275 की। और दोस्तों आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके जवाब देने की। थैंक यू।